टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगा रही है। हालांकि वसीम रिजवी ने इस पर सफाई भी दी है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले आपको बताएंगे कि वसीम रिजवी जो हमेशा विवादों में रहता है, उस पर रेप का आरोप अब लगा है। ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी खुद ये आरोप वसीम रिजवी पर लगा रही है। रेप का आरोप लगाते हुए ड्राइवर की बीवी ने लखनऊ के शहादतगंज थाने में तहरीर भी दी है। यही नहीं, ड्राइवर की बीवी का ये भी कहना है कि अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए धमकाता था वसीम रिजवी। पीड़ित महिला का कहना है कि वसीम रिजवी ड्राइवर पति को रात के समय में ड्यूटी पर बाहर भेज देता था, उसके बाद उस महिला के साथ दुष्कर्म करता था। इसी दौरान वसीम रिजवी ने अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिया था। जब भी महिला विरोध करती, उसी फोटो और वीडियो को दिखाकर उस महिला को चुप करा दिया करता था। पीड़ित महिला के साथ जब पानी सर से ऊपर हो गया तो उसने वसीम रिजवी की करतूत अपने पति को बता दी। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जब उसका ड्राइवर पति वसीम रिजवी से इसके बारे में पूछने के लिए गया तो उसके साथ मारपीट की गई, नौकरी से उसे निकाल दिया गया। जिस मकान में ये पीड़ित परिवार रहता था वहाँ से भी इन्हें खाली करवा दिया गया। वहीं वसीम रिजवी पर लग रहे आरोपों पर वसीम रिजवी ने भी सफाई दी। वसीम रिजवी का कहना है कि ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद बात है। साथ ही ये भी कहा है कि मेरा ड्राइवर मेरे हर मूवमेंट पर नज़र रखता था और मेरी जानकारी मेरे दुश्मनों को देता था, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो मेरे दुश्मनों से मिला हुआ था। मगर एक महिला ने जिस तरह से ये संगीन आरोप वसीम रिजवी पर लगाया है और पुलिस में भी इसके बारे में इस महिला ने तहरीर दी है, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच में आखिर सच क्या सामने आता है। बहरहाल पीड़ित महिला ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। वसीम रिजवी ने हमारे साथ घर पे आके बदतमीजी की, मेरे आदमी को नंगा करके बहुत ज़्यादा मारा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा मारा, उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माने, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन्होंने। कहाँ की रहने वाली हैं आप और कब से ये मामला चल रहा था? ये 5 महीने पहले से। क्या किया आपके साथ? बदतमीजी की बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ। तो 5 महीने हो गए और आज 5 महीने बाद आप आई हैं, कैसे, क्यों 5 महीने तक क्यों नहीं किया? अरे वो धीरे 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 हो रहा था, जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपने पति को बताया, हमको बताया जब तो इनको बहुत ज्यादा मारा उन्होंने, बहुत ज्यादा मारा। वसीम रिजवी ने क्या किया आपके साथ, ऐसी क्या बात कर दी है जिससे आप यहाँ आई? बताओ फिर क्या। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया और कोई सुनने वाला नहीं है पीड़िता। आपने धमकी दी हमको, साफ साफ के महल में दिखाई ना देना, हमको नंगा करके फोटो खींचा, मारा हमको बेदर्दी से, तानाशाही करता है वो इंसान। हमारी बीवी साथ उसने रेप किया, जब हम पूछने गए तो हमको मारा उसने बेदर्दी से। वो पिक्चरें बनाता है, नई नई औरतों के साथ यही सब करता रहता है, कोई नहीं बोलता है, क्यों वो पैसा लोगों को देता रहता है, उसका काम ही यही सब है। आपको ये घटना के बारे में कब बताया गया? हमको 11 तारीख के दिन जब बीवी ने हमें बताया, जब हमने जाकर उनसे पूछा शाम को कि आपने ये सब क्या क्या करके आए, कहने लगे औकात में रहो ना तुम्हें भी मार डालेंगे, कहने लगा नहीं मार डालोगे बताओ पूरी बात। तो अब हमको उसको बेदर्दी से मारा कमरा बंद करके, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे रो रहे थे, उन्हीं ने भी पापा क्यों मार रहे हैं, मगर वो मारता रहा बेदर्दी से। इस मुकदमे दर्ज है वसीम रिजवी, देखिए आप पूरी लिस्ट मेरे पास है, इस बेचारे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। योगी सरकार में ये सब होगा क्या करा जाए इसके लिए? न्याय चाहते हैं और क्या चाहते हैं जनाब, न्याय चाहते हैं। हमको रात ही रात घर खाली करा लिया, जी हाँ मैं तहरीर दी है थाना महोदय जी को, अब जो कुछ करेंगे वो तो करेंगे भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं। मोहम्मद फुरखान खान एडवोकेट लखनऊ सिविल कोर्ट। क्या मामला है, किस लिए आज आप थाना सादतगंज आए? हम लोग आज एक पीड़िता को के साथ आए हैं,
और इस आशा के साथ कि उसको न्याय मिलेगा। जो वसीम रिजवी पूर्व उपाध्यक्ष हैं सिया सेंट्रल बोर्ड के, उनके साथ ही ये रहती थी, उनका ड्राइवर है, उसकी पत्नी है ये। उन्हीं ने बहाने से ड्राइवर को मुख्तलिफ शहरों में लखनऊ से बाहर भेज देते थे आए दिन, और पिछले 6 महीने से लगातार इस पीड़िता के साथ वो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज उसने हिम्मत करके अपने परिवार वालों से जब ये बात बताई, गुमसुम रहती थी, परेशान रहती थी, जब परिवार वालों ने पूछा तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने परिवार वालों को बताया। वो हिम्मत करके आज यहाँ पर आए हैं सादतगंज कोतवाली में, और अपनी शिकायत लिखित रूप से और मौखिक रूप से श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय जी को दी है। हम लोग पिछले 2 घंटे से अनुनय विनय कर रहे हैं, हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसको दर्ज कर लिया जाए और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जो भी प्रभावी कार्रवाई होती है वो उसके वसीम रिजवी बलात्कारी के खिलाफ, और पता नहीं क्यों उसकी क्यों मांग कर रहे हैं, और इसको पीड़िता मौजूद है, उसको किसी तरह की सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, ना ही कोई विश्वास दिलाया जा रहा है। बार बार वो बेहोश हो रही है डर के कारण, समाज के कारण। एक बहुत, जब बलात्कार किसी का होता है तो वो मरने वाले से बदतर हो जाता है, क्योंकि जो मर जाता है वो तो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 34 मुकदमे के बाद भी बलात्कार करने वाले को संरक्षण दिया जा रहा है और पीड़िता के साथ न्याय नहीं हो रहा है? हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि महिलाओं का सम्मान आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? इसी सवाल के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हमसे टाइम इस तरह मांगा जा रहा है जैसे लग रहा है कि बलात्कार हम अधिवक्ताओं के साथ हुआ है। हमें कोई अधिकारी नहीं है किसी को टाइम देने का, वो पीड़िता है, कोई सुरक्षा उसको नहीं दी जा रही है। प्रार्थना पत्र उनको दिया गया, अभी हमारी मांग है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में अपराधी के साथ किया जाता है। कानून की दृष्टि में जो भी प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए वो क्यों नहीं की जा रही है? थाने से वही टाल मटोल की बात, टरकाने वाली बात, सोचेंगे और जांच कराएंगे। जांच कराने का इसमें जब वो बयान दे रही है, खड़ी है, तो उसमें जांच किस तरह की होगी? मैंने तो अभी ऐसा कोई कानून नहीं पढ़ा जिसमें जांच का प्रावधान हो। पहले हिसाब से अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है आगे क्या कदम होगा आपका? हम भाई, हम पीड़िता के साथ हैं, जो उसका अगला कदम होगा हम सब उसके साथ हैं, क्योंकि हम इस सभ्य समाज का एक अंग है और हमारा दायित्व ये बनता है, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र का, प्रदेश का, जिले का, जनपद का दायित्व बनता है, महिलाओं का ये दायित्व बनता है कि आए और उसका साथ दें। क्योंकि अगर उसको यूं ही छोड़ दिया गया वसीम रिजवी जैसे शैतान को, तो कल वो, आज उसने बंद कमरे में किया है, कल वो राह चलते करेगा, ऐसा मेरा अनुमान।